बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एक खास किस्म की टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कस करने जा रहे हैं, सिर्फ की स्पेस। आपने अभी तक जो टोपोलॉजी के लेक्चर्स पढ़े उनमें आपने टोपोलॉजी की डेफिनेशन और उसमें दो तीन टाइप्स आपने पढ़ ली हैं, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, कोफाइनाइट, कोकाउंटेबल, ये टोपोलॉजीज आपने पढ़ ली। स्पिंसकी स्पेस क्या है? अगर आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें तो उसमें तीन मेंबर सिर्फ ले लें तो वो ऑलवेज टोपोलॉजी होगी। तीन मेंबर्स कौन कौन से लेने? देखिए, एक तो कंपल्सरी है कि उसमें फाइव और एक्स तो आने ही आने ना, टोपोलॉजी का जो एग्जियम्स हैं उसके मुताबिक, थर्ड एग्जियम के मुताबिक उसमें टा में फाइव और एक्स लाजमी आएगा। सिर्फ एक सेट और ले तो हमेशा टोपोलॉजी बनेगी। देखते हैं कि लेट्स सपोज के एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और ए जो है वो कैपिटल एक्स का सबसेट है, और ऑब्वियसली ए तो ना तो फाई है और ना ही एक्स के इक्वल है। देन ये जो कलेक्शन है सबसेट्स की, फाई ए और एक्स, इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड द स्पेस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड स्पिंसकी स्पेस। अब देखें, अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा? इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँ तो फाई आएगा, वो मौजूद है इसमें। इन दोनों की यूनियन लूँ तो ए आएगा, वो भी इसमें मौजूद है। इन दोनों की इंटरसेक्शन हूँ तो ए आएगा, वो मौजूद है। इन दोनों की यूनियन हूँ तो एक्स आएगा। तो ए की फाई के साथ इंटरसेक्शन अगर ली जाए तो वो उसमें मौजूद है, ए की अगर फाई के साथ यूनियन ली जाए तो वो भी उसमें मौजूद है, ए की एक्स के साथ इंटरसेक्शन ली जाए तो मौजूद है, ए की एक्स के साथ यूनियन ली जाए तो उसमें मौजूद है। तो टोपोलॉजी तो है ना कि नहीं है? तो आपको अगर टोपोलॉजी बनाने के लिए कहा जाए तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर एक टोपोलॉजी कही है तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर वो कहता है ये अब डिस्क्रीट भी नहीं है और इनडिस्क्रीट भी नहीं है, ठीक है ना, पावर सेट नहीं है ये और सिर्फ फाइव और एक्स नहीं है। पावर सेट होता तो डिस्क्रीट होती, और चूंकि सिर्फ फाइव और एक्स होता तो इनडिस्क्रीट होती। अगर वो कहता है ये एक टोपोलॉजी बनाए जो कि आपके पास, अब ये प्रॉब्लम आपकी ना इंटरव्यूज में बड़े मसाइल पैदा होते हैं। जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है ना तो आप फिर शुरू हो जाते हैं, वो एक्स लिया और वो सोच सोच के टोपोलॉजी बनाते फिर रहे हैं। तो ये टिपिकल टोपोलॉजीज आपके सामने होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में फ़र्ज़ करें वो कहता है जी एक नॉन एम्प्टी सेट लेके उसके ऊपर टोपोलॉजी बनाएं, ये टोपोलॉजी बताएं जी क्या हो, एक टोपोलॉजी बताएं, फौरी तौर पर उसे बता दें कि ये। अब वो अगर कहता नहीं जी इससे मुख्तलिफ बनाएं, फिर आप फोर मेंबर टोपोलॉजी भी बना सकते हैं, फोर मेंबर टोपोलॉजी बना दें। कहते नहीं नहीं ये तो नहीं, आपको और बनाएं, फिर आप जाएं उस तरफ के एक्स को ही आप सेट डिफाइन करें उसके ऊपर, क्योंकि टोपोलॉजी बनाते वक्त तो आपको टाइम लगेगा ना उसकी शिकें रखते हुए। लेकिन आप ये ऐसे भी कर सकते हैं फौरी तौर पे, अगर आपने उसको आंसर देना है तो आप लेते हैं जी एक्स लिया ए बी सी डी ई, और आपने जो टोपोलॉजी इसके ऊपर बनाई इसमें फाई रखा, ए बी सी और एक्स रखा, तो ये टोपोलॉजी बन गई। मैंने एक ही सेट लिया, सिर्फ एक ही सेट जब हम लेंगे जो फाइव और एक्स से मुख्तलिफ होगा तो वो टोपोलॉजी होगी जो कि इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी से मुख्तलिफ होगी। अब वो आपसे पूछता है कि ये कैसे टोपोलॉजी, तो आप वही आर्गूमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि जी आप इन दोनों की यूनियन लेके देख लें वो यही आएगा, इंटरसेक्शन लेके देख लें यही आएगा, इन दोनों की यूनियन लेके देख लें वो ये आएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेके देख लें यही आएगा। जो टोपोलॉजी तो है, आपने टोपोलॉजी कहा है ना मुझे, मगर ये एक और बनाए, आप एक और सेट पकड़ के बना लें, मगर ये एक और बनाए, एक और सेट पकड़ के बना लें, कहते जी पाँच बनाए, आप पाँच सेट पकड़ के बना लें अगर इसके सब सेट पकड़ते हैं, फिर वो कहेगा ये क्या बात हुई, आप तो जो है एक किस्म की टोपोलॉजी बनाई जा रही है, इससे मुख्तलिफ बनाए, फिर पार्टीशन वाली बना लें कि दो कैपिटल एक्स के दो सबसेट्स ने ऐसे जो पार्टीशन बना रहे हों,
चार मेंबर हो जाएंगे, ये तो तीन तीन मेंबर्स की बनाई जा रहे हैं, ये भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप तीन तीन मेंबर्स की बनाई जा रही हैं, तो ज़रा मेंबर तो बनाएं, तो आप चार मेंबर वाली ले लें, फिर वो कहते नहीं चार से भी बढ़ाएं, फिर तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि आपने जो सबसेट्स लेने हैं वो आप क्या वो कंडीशन पूरी कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो थ्री मेंबर्स टोपोलॉजी है वो क्या कहलाती है, सिपिंसकी टोपोलॉजी, और थ्री मेंबर जो जिसके जिस टर्म में ये तीन सेट्स होंगे फाइव एक्स और कोई एक सबसेट ऑफ एक्स, वो लाजमी टोपोलॉजी बनेगी, और वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या कहलाएगी, सिपिंसकी स्पेस। अच्छा अब अगर आप इससे आगे चलते हैं, अगर मैं आपको कह दूं कि ये आप एक नॉन एम्प्टी सेट जो एक्स है इसके ऊपर बेशुमार स्पिंसकी स्पेसेस बन सकती हैं, वो डिफरेंट होंगी ना डिपेंडिंग ऑन के उसके सबसेट टोटल कितने बनते हैं, ठीक है, उनमें से एक एक सेट सेट लेते जाएं तो स्पिंसकी स्पेसेस बनती जाएंगी और सारी की सारी वो जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये तो था स्पिंसकी स्पेस के हवाले से, समझ आ गई सबको स्पिंसकी स्पेस क्या है, जिसमें एक सेट लें आप और वो सेट फाइव और एक्स से डिफरेंट हो, कोई और बना सकते हैं इसके ऊपर, ये चले टा वन कह देते हैं, टा टू क्या होगी, एक और बना लेते हैं सिर्फ ए, ये भी स्पिंसकी स्पेस है, ठीक है, इसमें भी आपके पास एक ही मेंबर है, इसी तरह कितनी बना सकते हैं आप। अच्छा अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इसमें जो आप ये स्पेसेस बना रहे हैं स्पिंसकी स्पेसेस या स्पिंसकी टोपोलॉजीज कितनी बनेगी, बता सकते हैं, ये जो सेट आपके सामने एक्स इसके ऊपर टोटल स्पिंसकी स्पेसेस कितनी बन सकती हैं या स्पिंसकी टोपोलॉजीज कितनी बन सकती हैं, तीन, 23, कैसे पता चला, बिल्कुल ये इन्होंने कहा जी 1, 2, 3, 4, 5 इसके टोटल सबसेट्स की तादाद होनी है 2^5, 25 कैसे कह रहे, काम खराब हो गया, तो टोटल जो है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स वो आएगा 2^5, कितने बनते हैं वो 32। अब आप जवाब देने में जल्दी करके ना, 32 बनते हैं आपके पास टोटल सबसेट्स। अब इनमें दो सेट्स जो हैं सबसेट जो है ना फाइव और एक्स वो तो हर टोपोलॉजी में मौजूद होने, तो वो अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 32 माइनस 2 कर दें तो रह जाएगा 30, ठीक है। अब ये टोटल बनेगी 30 टोपोलॉजीज ऑन एक्स। देखिए मसला ये है कि आजकल जो लेक्चरशिप का टेस्ट होता है पीपीएससी का, आप जब बीएस कर लेंगे तो उसके बाद जब टेस्ट होगा उस पर मसाइल अब बड़े आ रहे हैं कि वो एमसीक्यूज देते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आंसर शीट्स आज नहीं देते, तो बड़े स्टूडेंट्स जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी हमें आंसर शीट्स नहीं प्रोवाइड की जाती और बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं जिनको सॉल्व किए बगैर उसके आंसर तक नहीं पहुंचा जा सकता, फिर प्रॉब्लम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जब मैं कभी गया तो इंटरव्यू लेने के लिए या फिर मेरे साथ कोई लेटर लिख के या तो उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन जैसे मर्जी दें लेकिन आंसर शीट ज़रूर दें, ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो पेपर्स हैं इनमें क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होती है बच्चों की, तो बच्चों की कंप्लेंट है। तो अब यही देखें कॉन्सेप्चुअल अगर कोई चीज़ पूछी जाए तो फिर तो कोई इशू नहीं है, बस यही पूछ दिया जाए अगर आपसे सवाल कि एक ये आपको कह दिया जाए ये एक एमसीक्यू जिसका बन सकता है कि फ़र्ज़ करें वो कहता है जी नंबर ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो फाइव है, इफ नंबर ऑफ एक्स मीन के कैपिटल एक्स के जितने एलिमेंट्स, एक्स को उसने बताया नहीं है सिर्फ ये बता दिया कि कैपिटल एक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद फाइव है, तो आगे वो कहता है जी के हाउ मैनी सिपिंसकी टोपोलॉजीज कैन बी मेड ऑन
एक्स, तो आगे फिर उसके आंसर्स हैं। फ़र्ज़ करें वो कहता नहीं, पहले तो आपको डिसीव करने के लिए फाइव ही दे देता है, फिर वो आपको फाइव का मल्टीपल दे देता है टेन, और फिर आपको देता है टेन का फिर मल्टीपल ट्वेंटी, और फिर डी पार्ट में आपको दे देता है थर्टी। अच्छा, एक डिसीवर वो ये भी रखना चाहिए, चलिए यहाँ पे आप ट्वेंटी कर लें और यहाँ पे थर्टी कर लें, और एक जो है डिसीवर आपके पास थर्टी टू भी हो, जिससे आप डिसीव हो सकें कि चूँकि इसके सबसेट्स की तादाद थर्टी टू पर नहीं, अगर वहाँ तक पहुँचे तो। पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन से क्या मुराद है कि टोपोलॉजी जो है वो कैपिटल एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है जिसमें ख़ास किस्म की कंडीशन पूरी हो रही है। वो जब आपको पता है सबसेट्स की कलेक्शन, तो उसके बाद फिर आपको सबसेट्स की तादाद निकालनी होनी चाहिए, यहाँ तो उसने कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब तादाद आपको पता चल गई, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अभी बात की है कि टोपोलॉजी में दो मेंबर तो लाजमी हुआ करेंगे फाइव और एक्स, तो वो तो निकल जाएंगे तादाद में, टोटल टोपोलॉजी में तो हर में मौजूद होंगे, लिहाजा बाकी कितने बचेंगे थर्टी टोपोलॉजी बचेंगे। तो ये सारा होगा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बहुत बड़ा पेज नहीं चाहिए, या तो पीपीएससी के एग्जामिनर जो हैं वो इस किस्म के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे ना, जिसमें आपको वर्किंग सिर्फ मेंटली चाहिए हो, सिर्फ आप अपने दिमाग से, लेकिन ये हो नहीं सकता मैथमेटिक्स में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछनी है आपसे, तो या फिर पूरा उसको ये नो हो होनी चाहिए पेपर सेटर को, पेपर या तो पेपर सेटर को बताया जाए कि भाई आपने जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो उनके लिए सॉल्व करने के लिए कोई पेपर नहीं हम देंगे, उनको पता होता होगा, लेकिन इसके बावजूद जब वो पेपर बनाते हैं या पूछते हैं तो फिर वो पता नहीं कौन सा वहाँ पे आपसे अपनी तरफ से अपना आसान क्वेश्चन देते हैं और वो होता नहीं है। अगर आपको फ़र्ज़ करें छोटे से छोटा इंटीग्रेशन का आसान क्वेश्चन ही दे दिया जाए और उसके चार आंसर दे दिए और एग्जामिनर बड़ा खुश है कि ये तो बड़ी आसानी से जवाब दे देगा, वो कहाँ से देगा, उस हल करेगा तो देगा ना, वो तो एग्जामिनर खुद नहीं जवाब दे सकता उसका हल किए बगैर, ये याद थोड़ी होते हैं सवालों के जवाब, ठीक है। या तो टिपिकल आंसर्स हैं, मसलन कोई ऑड फंक्शन दे दिया गया और उसकी इंटीग्रेशन दे दी, कोई फार्मूला उसमें अप्लाई हो रहा है और वो हम उसको देखते हुए फौरी तौर पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन दे दिया जाए, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई है, माइनस ए टू ए साइन एक्स डी एक्स, तो क्या आप इसकी इंटीग्रेशन करके बताएंगे क्यों, क्या आंसर है इसका, यही तो जवाब गलत दिया। चलो करके देख लेते, करके देख लेते, जब आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन, अब आपने जवाब गलत दिया, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस ए टू ए, ये आ गया माइनस, बाहर निकाल लें, ये बना कॉस ए माइनस कॉस माइनस ए, ये क्या बना, माइनस बाहर रहने दें, और कॉस इवन फंक्शन है उसका नेगेटिव साइन तो ऑब्जर्व नहीं हो जाएगा, तो क्या आंसर आया। ये जो इस सवाल के जवाब के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी, ये जो हमने की, यही वो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अब कहते हैं जी आप ज़रा पीपीएससी का लेक्चर की हमारी तैयारी करवाएं, तो उसको भी कभी सिलसिला शुरू करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जो लेक्चर अगर देखते जाएं, जो लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, कोई ख़ास किस्म की तैयारी कराने की ज़रूरत नहीं होती, जो लेक्चर हमें डिलीवर कर रहा होता हूँ वो देख लिया करें, तो वहीं से काफ़ी सारी चीज़ें निकल आती हैं। अब ये देखें कि ये जो सवाल है इसका जवाब करने के लिए ये नहीं करना चाहिए था, इसका जवाब के लिए सिर्फ कितना पता होना चाहिए था आपको, ये फार्मूला पता होना चाहिए था, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए था और उसका जवाब फौरी तौर पे जीरो आना चाहिए था। डेफिनेटली का ये एक प्रॉब्लम है, बाकायदा इसका प्रूफ मौजूद है कि अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन से क्या मुराद है वो भी नहीं पता होगा, कि अगर उसके आर्गुमेंट में x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें तो वो आंसर नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, इवन फंक्शन में नेगेटिव साइन ऑब्जर्व हो जाता है और ऑड फंक्शन में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। अगर ऐसा हो
तो फिर माइनस ए टू ए लिमिट हो, ये शर्तें हैं, दो शर्तें हैं, ये फंक्शन ऑड हो और जो लिमिट ऊपर है उसकी नेगेटिव लिमिट नीचे हो, तब आंसर जीरो आएगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो अब अगर आपको आता है ये, इसका ये फार्मूला जो कि आपको नहीं पता था, इस फार्मूले में जो ऑड फंक्शन था वो भी नहीं आपको पता था, तो फिर तो मसाइल हैं। अगर आपको ये पता है कि ये फंक्शन ऑड हो और फिर जो उसने फंक्शन दिया हुआ है वो भी ऑड है, तो फिर उसका आंसर आपको फौरी तौर पे ज़ीरो कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको एक और फंक्शन दिया जाता है माइनस हंड्रेड टू हंड्रेड एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स, क्या आएगा जी इसका आंसर? अब इतना देर सोचने में लगा दी, अब आप क्या करेंगे वहां पे जब आपको एग्जाम देना है और उसके एमसीक्यूज चार आंसर दिए हुए, तो आप क्या करेंगे, आप इसका सॉल्व करने बैठ जाएंगे, वो वही इसी तरह मना किया आपको। जब आपको माइनस ए टू ए लिमिट दे दी जाए तो फिर जरा रुक जाए सॉल्व करने से पहले, सोच रहे हैं कि इस पर कोई फार्मूला तो नहीं लग जाना। तो ये मैंने दोबारा वही ऑड फंक्शन दिया आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन और माइनस टू ए लिमिट हो तो आंसर, तो इमीडिएटली सॉल्व किए बगैर इसका आंसर जीरो लगाए। तो आप पढ़ने वाले तो बने, आप कुछ सीखने की नीयत से पढ़ें तो सही, तो बड़ा कुछ है। तो आज हम बात कर रहे थे स्पिंसकी स्पेस की और चले गए किसी और तरफ, चलें ये भी आपके लिए यूजफुल होगा, कम से कम आपको ये तो नहीं अब भूलना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए या किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो वहाँ कापी पेंसिल पकड़ के जब आप सवाल करने लगेंगे ना तो आप अपना इम्प्रेशन सारा ख़राब कर देंगे सवाल पूछने वाले से। ये सवाल उसने दिया है आपको इंटरव्यू में कि हाँ भाई ये बताओ इसका जवाब क्या होगा, अब जब आप कापी पेंसिल पकड़ के जवाब लिखना शुरू करेंगे ना तो अपना वो कहेंगे बस फिर ये, इसका जवाब आपके दिमाग से फौरी तौर पर निकलना चाहिए।